उनका इस्तेमाल क्या है, उनके फायदे क्या है और वो किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, सारी मेरे पीछे डिस्प्ले हैं। तो क्या कहना, चलिए वीडियो की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, हेयर प्रोटेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हेयर प्रोटेक्शन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास सेफ्टी हेलमेट मौजूद है, ठीक। सेफ्टी हेलमेट व्हाइट कलर में, एमएसए का एडजस्टेबल है। तो बेसिकली इस सेफ्टी हेलमेट का मकसद है कि अगर हाइट से कोई चीज़ गिरे तो आपके साथ बचाए, ठीक है। वो इसमें पेनिट्रेट ना हो, वो ये तो क्रैक हो जाएगा लेकिन आपका सर क्रैक होने से बच जाएगा। तो ये आ गया, इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन है। जब भी आपने पीपीज लेने हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन को लाजमी स्टडी करना है। ये देखने आपको नजर आ रही है सारी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड को कंप्लाई करके बना गया हुआ है। उसका प्लास्टिक जो है वो किस हद तक जो है वेट बेयर करेगा, क्लास ई टाइप वन, क्लास ई टाइप वन लिखी हुई इसके अंदर। सर्टिफाइड मॉडल सी एस ए जेड 94 कंप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरी जो है, ये आती है इसके साथ चेन स्ट्रिप्स। चेन स्ट्रिप्स आपको सेपरेटली परचेज करनी पड़ती है और इसके साथ लगा दी जाती है। इनका मकसद जो होता है कि आपका हेलमेट जो है इस तरीके से बाउंड रहे, ठीक है। इसको मैं लगा लेता हूँ, ये गिरेगा नहीं, ठीक है। बाज़ का होता है कि नॉक क्लॉज लूज हो जाती है, तो उसके लिए फिर चेन स्ट्रिप हम यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ फिर हम आ जाते हैं हेयरिंग प्रोटेक्शन के ऊपर। हेयरिंग प्रोटेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये ईयर प्लग्स, देख रहे हैं ईयर प्लग्स को कानों में लगा लिया, ठीक। और ये आ जाते हैं ईयर मफ्स। मेरे पास जो ईयर मफ इस वक्त मौजूद हैं दैट इज अटैचेबल विद हेलमेट, ये देख सकते हैं, ये हेलमेट है और ये ईयर मफ आ गए और ये कैसे अटैच होते थे, लेट मी चेक। ये चले गए और यहाँ से ये चले गए। तो किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे जैसे कि देखें ये ईयर मफ्स आ गए और ये आपसे मूव कर दिए ऊपर कर दिए ये कर दिए। तो इट इज़ दीज आर गुड ईयर मफ्स, आपके हेलमेट से अटैच हो जाते हैं और आपको हेड प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है नॉइज़ प्रोटेक्शन भी देते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास डिस्प्ले में मौजूद है, दीज आर गॉगल्स। हेड के साथ हमने नॉइज़ की बात की, नॉइज़ के साथ हम गॉगल्स के ऊपर आ जाते हैं। ये बड़ी गॉगल, एक छोटी गॉगल, ये जो डस्ट वगैरह विंडी एरियाज में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये लगाएं, ठीक है। नॉर्मल साइड पे जाते हुए भी पहना करें ताकि कोई चीज़ आँख में चली जाए। ये थोड़ी सी बड़ी हैं, इनको एंटी स्प्लैश गॉगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। केमिकल्स हैंडी के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। तो रबड़ी है, आइज प्रोटेक्शन हो गई। देन इसके बाद हम बात करते हैं फेस की। फेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास फेस शील्ड है, केमिकल हैंडलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं ताकि आपके मुंह पे कुछ स्प्लैश वगैरह ना आए, ठीक। और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी आप पहन सकते हैं ताकि कहीं किसी किस्म की स्पार्किंग हुई है, फ्लैशिंग हुई है, तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। दूसरी फेस प्रोटेक्शन जो हमारे पास मौजूद है दैट इज वेल्डिंग शील्ड। ये यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है और ये अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो हम करते हैं वेल्डिंग, जहाँ पे बहुत हाई स्पार्क्स होते हैं, फ्लैश होती है, तो वहाँ पे आंखों के बचाने के लिए और चेहरे को बचाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये पबजी में भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ से मिलेगा नहीं, मिलेगा सिर्फ आसमान स्टोर से। अच्छा, ये भी बात हो गई। तीसरी हमारे पास फेस प्रोटेक्शन के लिए है विजर के साथ, विजर विद कैटरेज। कैटरेज इसकी होती है रिमूवेबल, ठीक। आपने जो सी गैस के अंदर फ्यूम्स है, जहाँ पे आपको पता है, वो वाली कैटरेज लगा देंगे, उसको फिल्टर कर देगा और आप इजीली सांस ले सकेंगे। अभी मैंने ऊपर से लॉक की हुई है, उसको उतारना पड़ता है कवर को। और ये विजर के साथ है, पहन के देख लें पूरा होता कि नहीं होता, ऐसा डरना मना है। और ये हो गया, मैं साथ चाय भी पी लूँ, गाना के बिस्किट मुझे बड़े पसंद है, वो भी खा रहा हूँ। फेस प्रोटेक्शन में दो और चीज़ें मौजूद हैं,
डिस्पोजेबल नॉन टॉक्सिक डस्ट मास्क, दूसरा फेस मास्क। ये तो कोविड की वजह से हर बच्चे को याद हो गया क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है हम देख लेते हैं। ये जो इस तरह के मास्क होते हैं डस्ट मास्क, यहाँ पे डस्ट हो, बगास एरिया में काम कर रहे हो, सीमेंट इंडस्ट्री में हो, ब्लास्टिंग हो रही हो, जहाँ पर बहुत सारी सारी चीज़ें हो, तो वहाँ पे डस्ट मास्क पहनना चाहिए। फेस मास्क जो है वहाँ पर वर्केबल नहीं है, ये हो गया। अच्छा बात करते हैं हैंड प्रोटेक्शन की। हैंड प्रोटेक्शन काफ़ी वैरायटी है, रबड़ ग्लव्स हैं, ठीक है। रबड़ ग्लव्स दो किस्म के होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए भी होते हैं। ये तो बड़े नॉर्मल से हैं, जस्ट आपको बता रहा हूँ। देन आ जाते हैं वेल्डिंग ग्लव्स, जो लेदर ग्लव्स हैं वो भी हैं। ये जब लेदर के काम होकर सॉरी वेल्डिंग करनी हो तो ये वाले ग्लव्स यूज किए जाते हैं, 14 इंच वाले, ताकि आपकी बॉडी जो है स्पार्क्स वगैरह से बच जाए। दूसरा ये केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, जब आपने स्मॉल लेवल की डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ केमिकल्स को यूज़ करना हो, हैंडल करना हो, तो फिर ये लेटेक्स ग्लव्स जो होते हैं या फिर ये वाले यूज होते हैं। हाँ ये बिल्कुल। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल वर्क के लिए, ये सिंपल लेदर ग्लव्स जो 6 इंच के होते हैं, जैसा कि ये देखें सिंपल मैकेनिकल वर्क करना है, इसका फोल्डिंग वगैरह करनी है, कोई चीज़ कोई मटेरियल हैंडल करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसके लिए। सबसे ही सस्ते ये कॉटन ग्लव्स, जो एक दिन में चार चार पेयर भी बाजू का लाया हो जाते हैं, फट जाते हैं। वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपने ये यूज़ करना है तो फिर डॉटेड यूज़ करें, ताकि इनकी ग्रिप हो। बहुत ही गंदी क्वालिटी के हैं ये कॉटन ग्लव्स, फिर भी इंडस्ट्री में यूज़ हो गए हैं, इसको प्रमोशन कह सकते हैं। अच्छा जी, हेड प्रोटेक्शन की बात होगी, फेस की होगी, नोज़ की होगी, आंखों की होगी, हाथों की होगी, पैरों पे आ जाते हैं। दो किस्म के सेफ्टी शूज़ हैं। ये जो सेफ्टी शूज़ होते हैं ये यूज़ होते हैं जहाँ पे वेट इन्वायरमेंट हो और केमिकल हैंडलिंग के लिए, जहाँ केमिकल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर आप इसको पहन के जाते हैं ताकि आपका पाँव इससे बच जाए। और दूसरी बात है नॉर्मल सेफ्टी शूज जो ये हैं, ठीक है, स्टील टो, ठीक है, इसके जो एंटी स्लिप जो है वो क्या कहते हैं सोल हो, फला फला फला, जो एंकल प्रोटेक्शन दे, सारा कुछ दे। बट आपने जो भी सेफ्टी शूज, सेफ्टी जॉगर, जो भी चीज़ लेनी है वो देख लें, टेस्टेड हो, रेटेड हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जो आप ले लें और आपको वापस सर्व ना करें, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट आपने हर चीज़ की मांगनी है जब भी आप कोई चीज़ परचेज करें। अब इसके अलावा कौन सी सेफ्टी रहेगी? फुल बॉडी हार्नेस का पर्पज जो है, जब अपने वर्क एट हाइट करना हो तो फिर आप ये पहनते हैं डबल एंकर शॉक अब्जॉर्बर फुल बॉडी हार्नेस। इसको तो मैं फुल ओपन नहीं करूँगा, एमए को मेरे से बाद में समेटी नहीं जाएगी। तो जो इसके शॉक अब्जॉर्बर सेपरेट रखी हुई थी, ठीक है, नो शॉक। और जब अगर आप इसको देखें, ये इसके दो एंकर पॉइंट्स है। इसको पहनते हुए लोग अक्सर जो गलती करते हैं ना कि एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों हुक्स को एंकर कर देते हैं, बट टू का मकसद ये होता है कि अगर एक एंकर पॉइंट फेल हो जाए तो दूसरा आपको सिक्योर करे। अगर आप दोनों एक ही जगह पे करेंगे तो इसका पर्पज खत्म हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट फेल हुआ तो जल्दी दोनों साथ नीचे गिर जाएंगे। और शॉक अब्जॉर्बर जो होता है वो मैक्सिमम रेस्ट फोर्स जो है माफ उसको रिड्यूस करता है। अच्छा इसके अंदर ना बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी वीडियो बनाने से पहले, मैंने ऑब्जर्व किया, ये इस पे ना एक चार्ट बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि अगर पॉइंट F1 से आप गिरेंगे तो आप इधर तक आएंगे, यानी 4 मीटर नीचे आएंगे, और अगर पॉइंट F2 से गिरेंगे तो आप 6 मीटर तक नीचे आएंगे। तो बेसिकली पर्पज़ ये था बताने का इनको कि आपने जब भी बॉडी फुल बॉडी हार्नेस पहननी है, यूज़ करनी है, तो आपका जो एंकरेज पॉइंट है हायर देन योर बॉडी हो, ठीक है। तो जितना हायर होगा उतना कम जर्क आप पे लगेगा। हर बॉडी पार्ट को देख लीजिए आप, फाइनली हम बात करते हैं फुल बॉडी की। ये आ गया हमारे पास सिंपल वर्कवेयर, ओपन करूँ या ना करूँ, जब हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और वर्कवेयर और ये, ठीक है, टू पीस वर्कवेयर। यूनिफॉर्म आप कह लें, लेबर का यूनिफॉर्म कह लें, रिगर्स का यूनिफॉर्म कह लें, अपने वर्कफोर्स का यूनिफॉर्म कह लें, वट एवर जो आप कहें, बेसिकली पर्पज ये है कि वो जो कपड़े घर से पहन कराते हैं, घर ऊपर आते हैं, अपनी बेटमा को तार कराते हैं, ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर चार इसका फोल्डर चढ़ जाते हैं तो उनके
काफी ऐसे मजदूर है, हमने भी यही काम किया था इनकी। एंड देन फाइनली आ गया मेरे पास ये केमिकल रेजिस्टेंट सूट, देख रहे हैं ये भी टू पीस है येलो कलर का, उसको मैं पहन के ना क्या लगूंगा, टैक्सी लगूंगा क्या लगूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहन लो मैंने पहन के दिखा रहा हूँ सारे ने। ये टू पीस है, ये इसका अपर आ गया ठीक है, और ये हुड के साथ है ठीक, ये हुड है इसका। तो बेसिकली पर्पस है इस सूट का, जब आपने केमिकल हैंडलिंग करनी हो तो आप ये सूट पहनते हैं ताकि आपकी बॉडी भूल जाए किसी किस्म के केमिकल स्पिल से, स्प्लैश से, और अगर गिर जाए तो ये कपड़ा खराब हो, ये डैमेज हो। वैसे तो ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है, एसिड रेजिस्टेंट होता है, इसकी रेटिंग भी लिखी होती है किस हद तक ये केमिकल रेजिस्टेंट है, कितनी थिकनेस है, डैमेज है, ये सारा कुछ पे मेंशन होता है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को अगेंस्ट सारे जो है पीपीज खरीदने हैं। अच्छा ये थी पीपीज की बात हमने की, पीपीज को स्टोर करना, इनकी कंटिन्यूसली और रेगुलर सफाई करना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ बड़ी कम हो जाती है। हेलमेट्स की भी जो है ना जो प्लास्टिक है वो ब्रिटल हो जाता है, बड़ा सख्त हो जाता है, बड़ी जल्दी टूटने लगता है, क्रैक हो जाता है। इसी तरीके से हर सेफ्टी इक्विपमेंट की एक लाइफ है, जो मैन्युफैक्चरर ने इसके मैनुअल में और इसकी जो यूज़र बुक का है गाइडलाइन है उसमें मैंशन की होती है। तो जब भी आप पीपीज लें उस यूज़र मैनुअल गाइडलाइन को लाजमी पढ़ें और उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करें, स्टोर करें, क्लीन करें, मैनेज करें और उसका उसी तरीके से हिफाजत करें। तो ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो से दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।